अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आखिर मुतालिक पर पाबंदी क्यों नहीं लगाई जाती, यह सवाल भी है और आज का मौजू भी है। आज इस मौजू पर बोलना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आवाम की नज़रों में कानून न्याय व्यवस्था की अहमियत घटने लगती है तो फिर आवाम का तहफ्फुज भी खतरे में आने लगता है। अक्सर रामसेना का मुखिया बेलगाम में आता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए नफरत फैलाता रहता है। कभी हमने देखा नहीं कि करीब में इस पर किसी तरह का मुकदमा दायर किया गया। आज तो इसने हद कर दी। इसने सीधे इंतजामिया पुलिस पर ही इल्जाम लगाते हुए कहा कि रामसेना के जिला सदर रवि कोकितकर पर जो फायरिंग हिंडलगा जेल के सामने हुई, इसकी तहकीक सही नहीं हुई है। ताज्जुब तो इस बात का होता है कि अब सुप्रीम कोर्ट से लेकर इंतजामिया तक कोई भी कुछ भी कहता है लेकिन कार्रवाई नहीं होती, और तब तो खासकर नहीं होती जब किसी हिंदू तंजीम से हो। लिहाजा 7 जनवरी को हिंदू तंजीम के रवि कोकितकर पर हमला किया गया जिसमें देसी पिस्तौल से निकली गोली गले को छू कर गई, जिसमें हल्के जख्म को कितकर को आई तो इसके ड्राइवर के हाथ को गोली लगी। तमाम मीडिया ने इसे बड़ी खबर के तौर पर पेश किया और इसे मजहबी रंग देने की भी जद्दोजहद में लग गए। लेकिन बेलगाम पुलिस ने नफरत तनाव और फसाद की साजिशों को नाकाम करते हुए कुछ ही घंटों में मुजरिमों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन रामसेना का मुखिया मुतालिक बराबर नैरेटिव और एजेंडे चलाने की कोशिश में लगा हुआ था। मामला सुलझ गया, बेलगाम वालों ने भी इत्मीनान की सांस ली क्योंकि बेलगाम की आवाम यहाँ इत्मीनान चाहती है। अब कुछ अपने कारोबार तिजारतों को पटरी पर आते हुए अभी देख रहे हैं क्योंकि 2 लॉकडाउन में क्या हालत हुई सभी को मालूम है। जाहिर है जब वारदात का मकसद हासिल करने में नाकाम मुतालिक को इत्मीनान शायद नहीं हुआ और अब फिर से एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मामले को दूसरी दिशा देने की कोशिश कर रहा है और बार बार हिंदुत्व तंजीम के अफराधों को निशाना बनाने की बात करते हुए देखा जा। वैसे साफियों ने इसे सवाल तो वाजिब किए जिसके जवाब तो नहीं दे पाया, पर खदशा यह जाहिर किया जा रहा है कि आखिर इतना बिलाखौफ झूठ के सहारे माहौल को बिगाड़ने की कोई कोशिश मुस्तकिल कर रहा है और इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाए जबकि पुलिस पर ही गुमराह करने के इल्जाम लगा रहा है। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रवि कोकितकर ने किसी मुस्लिम नौजवान ने 5 साल पहले इसकी तस्वीर को फेसबुक में डालकर इसे खत्म करना चाहिए ऐसा मजमून लिखने की भी बात कही। इन तमाम मामलों को मद्देनजर रखने के बाद इसके पीछे की साजिश को भी महसूस किया जा सकता है। साथ ही नगर मस्जिद को ताला भी इसी साजिश का हिस्सा कह सकते हैं कि कुल मिलाकर शहर के अमन को तशद्दुद में तब्दील कर किसी तरह हिंदू मुस्लिम के दहाने पर लाकर खड़ा कर दिया जाए। खासकर बेलगाम के आवाम में प्रमोद मुतालिक पर शहर में पाबंदी की मांग बढ़ती जाएगी क्योंकि हाल ही में गुलबर्गा में भी तश्वीशनाक और नफरती बयान देते हुए कहा था कि अब तमाम हिंदुओं को तलवार रखना जरूरी है और किसी तरह जुर्म नहीं है, इसी तरह किताब और कलम की बजाय तलवार चाकू रखना होगा। लव जिहाद का जिक्र करते हुए कहा कि अगर हम तलवार रखेंगे तो कोई भी हिंदुओं की तरफ नजर उठाकर नहीं देखेगा। खैर, इस तरह की बयानबाजी करने की आदत इन फिरका परस्त लीडरों में बारहा देखी जाती रही। इससे पहले शिमोगा में भी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने मुसलमानों को मारने काटने की बात करते हुए कहा था कि घरों में चाकुओं को तेज करो ताकि गर्दनों को काटा जा सके। अब ये तमाम फिरका परस्तों के सरगना बेलगाम का रुख करते नजर आ रहे क्योंकि चुनाव नजदीक है। बात तो अब और भी आगे बढ़ गई है कि इंतजामिया को ही कटघरे में खड़ा करना इसका मतलब पुलिस महकमा के हौसलों को पस्त करने के बराबर है क्योंकि अगर उसी वक्त 18 घंटों में असल मुजरिमों को ना पकड़ते तो शायद फसाद की तैयारियां इन फिरका परस्तों की जानिब से की जा चुकी थी। अब जब नाकाम हुए तो सीधा पुलिस पर नाकामी का इल्जाम और फिर गुमराही का इल्जाम पुलिस डिपार्टमेंट के लिए लम्हे फिक्र कहा जा सकता है। पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि अदालतों को भला बुरा कहना, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट तक को गलत साबित करना और अब पुलिस इंतजामिया को ही ठीक से काम न करने का इल्जाम इंतजामिया के मेहनतों की तौहीन है। अब दूसरा पहलू भी इसका समझने की जरूरत है। जिस मुस्लिम समाज को जो चाहे जब चाहे निशाना बनाता रहता है, यह समाज बिल्कुल खामोश है, इसकी जबान नहीं है, यह गूंगा हो चुका है, यह बोलना नहीं चाहता और ना ही इसका कोई लीडर बोलना चाहता है। क्या इसे हेटमोंगर्स के खिलाफ मुकदमे या फिर इन्हें शहर में दाखिल ना देने का मुतालबा हम इंतजामिया के पास नहीं कर सकते और करते नहीं, इसे क्या कहा जाए? बेवजह किसी भी बात को मुसलमानों से जोड़कर इन्हें निशाना बनाने की रस्म को कहीं तो रोकना होगा। तेजस्वी सूर्या, यत्नार पाटिल, नवीन कुमार कटील, संजय पाटिल, लभय पाटिल, प्रमोद मुतालिक, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जैसे कई नफरती चिंटियों की भरमार माशरे में हुई है और सभी का एक ही मकसद है कि चुनाव नजदीक है, मुसलमानों को निशाना बनाया जाए, इनके दिलों में डर खौफ पैदा करे और इनमें एहसास कमतरी पैदा करे और वो कामयाब भी हो चुके हैं। मैं इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अपने जाती मामलात की वजह से रवि कोकितकर पर हमला हुआ लेकिन इसे मुसलमानों की तरफ मोड़ते हुए पुलिस को ही कटघरे में खड़ा करने की हिम्मत आखिर किस बुनियाद पर करते हैं।
कहा तो ये भी जाता है कि भाजपा की मुखालिफत में रामसेना है। सियासी पार्टियों का दबाव भी इंतजामिया पर होने के बाद बेझिझक मुतालिक कहता हुआ देखा गया है। कुल मिलाकर निशाने पर मुसलमान ही है, फिर चाहे मुतालिक हो या फिर संजय पाटिल, क्योंकि दोनों ने अभी हाल ही में हमने देखा कि दोनों ने सारथी नगर की मस्जिद को निशाना बनाते हुए ताला लगाने में कामयाब भी हुए और बेचारे मुसलमान इनका कोई भी कसूर ना होते हुए भी नफरत और तशद्दुद की सजा इन्हें चुकानी पड़ रही है। एक अजीब बात यह भी है कि कुछ मुसलमान अपने आप को तसल्ली देते हुए मस्जिद में दो चार लोग नमाज अदा कर रहे हैं कि झूठी अफवाहों पर इत्मीनान कर रहे हैं। आखिर झूठ अफवाहों से क्या मिलता है, फिर इस मजलूम कौम की दास्तान क्या बयान करें। इसमें भी कुछ लोग सियासी मुफाद हासिल करने की कोशिश करते रहते हैं। खैर, आज का मौजू और असल मकसद ये था कि क्यों न कानूनी तौर पर नफरती गिरोह को रोकने की कोशिश करें। हर शहर में जो भी मुसलमानों के खिलाफ बोलता है, बयानबाजी करता है, पेटीशन दाखिल की जाए, मुकदमे दायर किए जाए, अगर मुकाम में पुलिस साथ नहीं दे रही या फिर मौजूदा सियासी लीडरों के दबाव में फरियाद दर्ज करने से हिचकिचा रही है, तो अदालत का रास्ता इख्तियार करते हुए इन्हें संविधान की ताकत का अंदाजा भी दिलाया जाए। आज मुतालिक ने इंतजामिया पर इल्जाम लगाकर कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है, ये भी आने वाले दिनों में नुकसानदेह साबित हो सकता है। लिहाजा खुद इंतजामिया जैसे दूसरों पर सुमोटो के तहत कार्रवाई करता है इस पर भी करे, वरना बेलगाम शहर का अमन खतरे में आ सकता है, इतना जरूर है। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। आज हुबली में साबिक वजीर आला सिद्धरामैया ने भाजपा पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि भाजपा झूठ बोलने की फैक्ट्री है। कांग्रेस ने जिन स्कीमों योजनाओं को शुरू किया था उस पर अमल करते हुए मुफ्त के और तैयार बर्तन का खाना भाजपा खा रही है, ऐसा बताया। लिहाजा इस झूठी और फरेबी पार्टी को आवाम सही सबक सिखाएगी, ऐसा भी कहा। खानापुर तालुका बीडी के नजदीक बेकवाड़ में जमीन तनाजे के मद्देनजर एक शख्स का कत्ल किया गया। यल्लाप्पा गुरव ऐसा मरने वाले शख्स का नाम है। नंदगढ़ पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया। हिंडलगा जेल से मरकजी वजीर नितिन गडकरी के दफ्तर को फोन के जरिए 100 करोड़ की मांग करते हुए धमकी दी गई थी। लिहाजा नागपुर पुलिस इसी धमकी के मद्देनजर बेलगाम में तफ्तीश कर रही है। जिस फोन से धमकी दी गई थी वो फोन अब तक बरामद नहीं किया गया और जयेश पुजारी और दिगर चार की पूछताछ जारी है, लेकिन सभी ने इनकार किया है। इत्तला के मुताबिक जेल सुपरिटेंडेंट काफी सख्त है और कैदियों को जेल में दिगर सहूलतें नहीं दे रहा, ऐसा कहा जा रहा है। लिहाजा सबक सिखाने के लिए फोन किया गया था, इस तरह की बात भी गश्त करिए। जो भी हो, लेकिन बेलगाम जेल नितिन गडकरी की धमकी को लेकर सुर्खियों में है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।